हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज जो हमारा बैच जो कि सितंबर से एलटी का स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोगों को इसके सिलेबस के बारे में बता दूँ। बहुत से लोगों को सिलेबस नहीं पता होता, या वो टीजीटी का ही या पीजीटी का सिलेबस मान के बैठे होते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी का। तो एलटी का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है, जो 2018 में एग्ज़ाम हुआ था ये वही सिलेबस है। तो उम्मीद तो यही कर रहे हैं कि ये चेंज नहीं होगा, और इन्होंने इसमें सारा उठा उठा के सब भर दिया है। तो अब मैं आपको सबसे पहले इसके ग्रामर के सिलेबस के बारे में बता दूं। इसमें क्या है ग्रामर के सिलेबस में, देखिए, अनसीन प्रोज एंड पोइट्री पैसेज फॉर लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एंड अप्रिसिएशन। कि इसमें अनसीन प्रोज एंड पोइट्री पैसेज फॉर लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन एंड अप्रिसिएशन का मतलब होता है, अब आप ये सोच रहे हो क्योंकि ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, ऐसा है होता है। इसमें ना पैसेज की टोन पूछ ली जाती है कि ये कौन से टोन में लिखा हुआ है, या अगर पोइट्री का है तो उसमें राइम स्कीम पूछ ली जाती है, इसके अलावा उसमें कौन सा मीटर लगा हुआ है ये पूछ लिया जाता है, या जो भी और जो उसकी रिटोरिकल डिवाइसेस होती हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह, वो कुछ भी उसमें पूछा जा सकता है। तो जैसा उन्होंने पिछली बार भी करा, ग्रामर में पंचुएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग्स, वर्ड फॉर्मेशन एंड वोकैबुलरी, टेंस, नरेशन, कंडीशनल सेंटेंसेस, ये तो है ही। अब आप सोच रहे होंगे ट्रांसलेशन कैसे देंगे। ट्रांसलेशन के वो लोग क्या करते हैं, सेंटेंस देते हैं और उसमें पूछते हैं इनमें से कौन सा इसका ट्रांसलेशन सही है, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। तो आपको वो बहुत कुछ मिलता जुलता होता है। पिछली बार तो इतना कोई डिफ़िकल्ट पेपर नहीं था, तो वो क्या करते हैं कि एक दो लाइन दी या पूरा पैराग्राफ दिया, तीन लाइन दी और उससे पूछा कि भाई इनका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन क्या है, तो ये उसमें पूछा जाता है। लेटर राइटिंग एंड डायलॉग राइटिंग में मैं आपको बता दूं, इसमें भी उनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर्मल लेटर का इनमें से कौन सी क्लोजिंग है, और इनमें से कौन सा इनफॉर्मल लेटर में का पार्ट गलत है। तो डायलॉग राइटिंग का भी इसी तरीके से पूछेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो दे आर गोइंग टू आस्क दोज क्वेश्चंस जो इनके थ्योरी पार्ट में से लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका ग्रामर का पार्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, लिटरेचर सेक्शन को देख लेते हैं। इन्होंने बिल्कुल मेंशन कर रखा है कि कौन सी फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स पढ़िएगा, तो एलिग्री, बैलेड, ओड, सोनेट, ब्लैंक वर्स और स्टेंजा फॉर्म्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग, मीटर कुछ छोड़ा नहीं है वैसे इन्होंने, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, मेमोयर, ट्रेवल राइटिंग, ये सब जो है इन्होंने इसमें ले रखा है। टाइप्स ऑफ ऐसे, मतलब कुछ छोड़ नहीं रखा है, आपको सारी लिटरेरी टर्म्स इसमें पढ़नी होंगी अच्छे से, कुछ भी क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। 120 क्वेश्चंस हैं, 30 नंबर की जीएस होती है इसमें। पोइट्री, ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स, ये सारा का सारा आप ये देखिए कि क्या क्या दे रखा है इन्होंने। पोइट्री में इन्होंने शेक्सपियर के सोनेट दिए हैं, सोनेट नंबर 29 मतलब मेंशन कर रखा है इन्होंने। मिल्टन का ऑन इज ब्लाइंडनेस, पैराडाइज लॉस्ट की 126 लाइन है, जॉन डन की कैनोनाइजेशन है, पोप की रेप ऑफ द लॉक का कैंटो 1 है, ग्रे का एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्च यार्ड है, विलियम वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबे है, वर्ल्ड इज टू मच विद अस है, शेले का है ओड टू वेस्टविन टू अस काइला, कीट्स की है ग्रेशियनर, ला बेले डेमसांस मर्सी, टेनिसन की यूलेसिस एंड ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ब्राउनिंग की माई लास्ट टचेस प्रोस्पाइस, आर्नल्ड की है टवर बीच मेमोरियल वर्सेज, ईट्स की है द सेकंड कमिंग, सेलिंग टू बाइजेंटियम। मगर आप ये मत सोचेगा कि इन्होंने पोएम दे दी तो ये पोएट के बारे में नहीं पूछ सकते, थोड़ा सा पोएट का इंट्रोडक्शन भी जरूर उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। उसके बाद आप ये देखिए, ऑर्डन है मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स, ये बहुत ही ये कॉम्प्लेक्स पोएम है। टेड ह्यूज की है क्रोअलाइट्स, फिलिप लार्किंस की वॉन्ट्स, विटमैन की ओ कैप्टन, ये आप ये देखिए इन्होंने जो ले रखा है इंडियन अमेरिकन सब ले रखे हैं, और दिसम एस्किल भी हैं, कमला दास भी हैं, डेरेक वॉलकॉट भी हैं, मतलब अफ्रीकन अमेरिकन इंडियन सब ले रखे हैं, कुछ छोड़ना नहीं है। ड्रामा में उन्होंने लिया है शेक्सपियर है, बेन जॉनसन, बर्नार्ड शॉ, हेरोल्ड पिंटर, आर्थर मिलर। प्रोज एंड फिक्शन में आप ये देखिए उन्होंने क्या लिखा है, ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स, तो उसमें उन्होंने फ्रांसिस बेकन का लिया है, एडिसन का लिया है, और लैम का है ड्रीम चिल्ड्रन, ई वी लुकास का टाइट कॉर्नर्स, ये सारे जो हैं जवाहरलाल नेहरू का द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, अनिता देसाई का फेयरवेल पार्टी, कैथरीन मैंसफील्ड का द फ्लाई, और हार्डी का द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, और हॉथॉर्न का द स्कारलेट लेटर, ये सारे के सारे, और चिनुआ एचबे द थिंग्स फॉल अपार्ट, तो ये सारे के सारे आप लोगों को इसमें कुल मिला के ये 80-85 के करीब वर्क्स, उसके बाद आपके लिटरेरी टर्म्स,
तो ये 100 अराउंड चीज़ें जो हैं वो बैठ जाती हैं जो आपको स्पेसिफिकली आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो द सिलेबस इज़ क्वाइट वाइड, तो इसी टाइप से आपको तैयारी करनी है। तो भाई पिछली बार तो पेपर क्योंकि पहली बार हुआ था तो बहुत ही सतही पेपर था, लेकिन अगर निकालने पर आया जाए तो इनमें से भी काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से निकाली जा सकती हैं। तो इसी चीज़ के साथ आप लोगों को बताना चाहूँगी, तैयारी करिए तो अच्छे से करिए, कम से कम ढंग की किताबें और ढंग के उससे करिएगा, और तभी आप लोग LT जैसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम को क्लियर करने का जो है वो सोच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ठीक है।